डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास सेवन का हिंदी बुक है, चैप्टर 16, और इस चैप्टर का नाम है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे हम एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उसी तरह से वहाँ जाना हम लोगों के लिए आसान है। और वहाँ के लोग भी इंडिया में, उन लोगों के लिए भी इसी तरह का, उन लोगों को भी वीज़ा पासपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उन लोग भी आते हैं और जाते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप बना हुआ है। चाहिए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं में स्थित नेपाल को शिखरों के देश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र तट से 8000 मीटर ऊंचे दुनिया के 14 शिखरों में से 8 शिखर नेपाल में ही हैं। यह उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत के निकट स्थित है। तो ये शिखरों का देश कहा जाता है नेपाल, और यहाँ पर 8 शिखर हैं, जिसमें से सबसे जो हाइस्ट शिखर है, सबसे हाइस्ट शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में ही है, इसीलिए शिखरों का देश इसे कहा जाता है। और ये चीन से सटा हुआ है, चीन के दक्षिण और नेपाल के मतलब भारत के उत्तर में है। तो इस तरह से इसका, ये काफ़ी बड़ा देश नहीं है, ये बिल्कुल पहाड़ के बीच में बना हुआ देश है। और यहाँ पे नेपाल का क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम की ओर 885 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 193 किलोमीटर फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से, मतलब जैसे कि हम लोग का एक कोई बड़ा सा राज्य है, उसी तरह से नेपाल उतना ही बड़ा देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हिमालय घाटी में बसा एक छोटा सा शहर है। इस शहर में अनेक विदेशी आलीशान टैक्सियां दौड़ती नज़र आती हैं। एकदम निराला शहर है काठमांडू। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखते ही बनते हैं। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, राजदरबार है, संसद भवन है, सरकारी मंत्रालय है, विदेशी उपभोक्ता वस्तुओं से अटे बाजार हैं, आलीशान होटल है और रात भर चलने वाले कैसीनो हैं। छोटे से काठमांडू में कम से कम 35 आलीशान होटल हैं। इनमें कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड, फ्रेंच फूड, हेल्थ फूड, भारतीय, इटालियन, जापानी, कोरियन, कोरियाई, रूसी, तिब्बती और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा शहर है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, लेकिन एक निराला सा शहर है, और यहाँ पर विदेशी चीज़ें भी बहुत सारी देखी जाती है। यहाँ का फूड आइटम जो है वो लगभग कई देशों का फूड आइटम भी यहाँ पे मिलता है, सारी चीज़ें हैं। मंदिर है उसी तरह का, वहाँ भी प्राचीन शिव मंदिर है, और इसी तरह के लोग वहाँ पे हिंदी और नेपाली दोनों भाषा समझते हैं। और बिल्कुल ही बहुत सुंदर सा ये शहर है। प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे देखते ही बनता है, क्योंकि ये तो पहाड़ के बीच में ही बसा हुआ है, इसीलिए प्राकृतिक सुंदरता तो वहाँ मिलनी ही है। कहा जाता है कि नेपाल की धरती पर 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने पदार्पण किया था। नेपाल पर गोपाल, अमीर और किरानों का शासन रहा। नेपाल के प्रामाणिक इतिहास का पता 5वीं शताब्दी के लक्ष्मी नरेश भानुदेव प्रथम के चंगू नारायण अभिलेख से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे नेपाल का कुछ हिस्ट्री के बारे में बतला रहा है। तो नेपाल के हिस्ट्री को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हम लोग ये सब के बारे में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर बतलाया जा रहा है कुछ, ये यहाँ का राजा का नाम बतलाया जा रहा है, भानुदेव प्रथम के चंगू नारायण अभिलेख से पता चलता है। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जिससे हमें उसके बारे में 5वीं शताब्दी के बारे में पता चलता है। लिच्छवियों ने 9वीं सदी तक नेपाल में शासन किया, फिर 12वीं सदी तक मल्ल वंश का शासन रहा। जिस तरह से वंश बदलते रहता है शासन का, तो इसी तरह से लिच्छवियों का शासन 9वीं सदी तक था, और उसके बाद 12वीं सदी तक मल्ल वंश का शासन रहा। मल्ल वंश के अंतिम शासक यक्षमाला की मृत्यु के बाद नेपाल 3 स्वतंत्र राज्यों काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में बंट गया। उस समय जो सशक्त राजा हुआ करता था, तो पूरे देश को वो बांध कर रखता था, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाता था, तो अलग अलग राज्य जो है स्वतंत्र रूप से, अलग अलग राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। तो उसी तरह से उस समय नेपाल 3 भागों में बट गया, काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर। सन 1769 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने, तो पृथ्वी नारायण शाह का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया था आगे देखते हैं। नेपाल को फिर से एक करके शाह वंश की स्थापना की। आज नेपाल नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह इसी वंश के हैं। तो राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को फिर से एक कर दिया और शाह वंश की स्थापना की। और ये विक्रम शाह वंश जो है इन्हीं के वंश के हैं। काठमांडू में सारा साल सैर सपाटा जारी रहता है। यहाँ का मौसम दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से प्रभावित रहता है। काठमांडू में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए मौसम सारा साल सुहावना रहता है। यहाँ घूमने फिरने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय श्रेष्ठ रहता है। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, और जून से अगस्त तक तेज़ वर्षा होती है। यहाँ पे गर्मी अधिक नहीं पड़ती, क्योंकि ये
ठीक हिमालय के तराई में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे ठंड तो बहुत पड़ती है। ठंड कब पड़ती है? यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और यहाँ बारिश भी काफ़ी होते रहता है। इस तरह से यहाँ का वातावरण जो है साल भर हरा भरा बना रहता है। काठमांडू में सबसे खूबसूरत सड़क है दरबार मार्ग, इसे हम नई दिल्ली का कनॉट प्लेस कह सकते हैं। चौड़ी सड़क और भीड़ भाड़ कतई नहीं। यहाँ मोती महल रेस्टोरेंट, रेस्तरा अंबर, रेस्तरा तानसेन भारतीय रेस्तरा, होटल शेरपा, ताज ग्रुप का होटल अन्नपूर्णा आदि है। तो यहाँ पे खूबसूरत सड़क है जिसका नाम दिया गया है दरबार मार्ग, और हम दिल्ली से उसको, दिल्ली का कनॉट प्लेस जो है उससे हम उसको तुलना कर सकते हैं, उसी तरह का है। और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, सड़क काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पे बहुत सारा रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसका काठमांडू में अत्याधुनिक विदेशी साज सामान के साथ साथ 400 वर्ष पुरानी लोक कला की वस्तुएं भी मिलती है। मतलब फैशन वाली चीज़ें तो मिलती ही है, इसके अलावा जो है संस्कृति से जो जुड़ी हुई है बहुत पुरानी वस्तुएं वो सब भी मिलती है। प्राचीन कलाकृतियाँ, हथबुने, गलीचे, खुखरी, मुखोटे और साले नेपाल की खास सौगात है। तो कई सारी चीज़ें इस तरह के हैं, हाथ बुने, गलीचे। अब इस तरह की चीज़ें जो है आजकल लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसको जान नहीं पाते हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे, उस चीज़ों को देखेंगे तभी पता चलेगा कि वो चीज़ें क्या है और किस तरह का उपयोग में आते हैं। यहाँ विदेशी सामान से भी बाज़ार भरे रहते हैं, इनमें सौंदर्य प्रसाधन, प्राकृतिक खिलौने, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदारी में पर्यटकों की रुचि रहती है। निरोड स्थित विशाल बाज़ार में तो भारतीय खरीदारों की भीड़ उमड़ी रहती है। यह विशाल बाज़ार 4 मंजिला है। एक एक दुकान चीन, जापान, ताइवान, कोरिया और हांगकांग में निर्मित सामानों से भरी पड़ी है। भारत के 100 रुपये के बदले 160 नेपाली रुपये मिलते हैं। यहाँ शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। तो इस तरह से कई सारे विदेशी सामान जो है नेपाल में भरपूर वहाँ पर मिलता है, क्योंकि विदेशी लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाया करते हैं। तो नेपाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर साल अत्यधिक पर्यटक लोग जाते हैं, तो उन्हीं के रुचि के अनुसार, उन्हीं के पसंद के अनुसार वहाँ पे सामान सजाए जाते हैं। और हमारा जो है रुपया उससे थोड़ा सा महंगा है। हमारा 100 रुपये के बदले 160 रुपया नेपाली करेंसी जो है उसका वैल्यू है। और यहाँ पे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, जैसे हम लोगों के यहाँ और ज़्यादातर सभी देशों में संडे को अवकाश रहता है, लेकिन वहाँ पर सैटरडे को रखा गया है। इसके पीछे कोई धार्मिक कारण हो सकता है। काठमांडू में हिंदुओं का सबसे बड़ा शिव मंदिर श्री पशुपतिनाथ भी है। यह मंदिर शहर से 4 किलोमीटर पूर्व की और नेपाल की गंगा यानी बागमती नदी के तट पर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। पहले यह मंदिर लकड़ी से निर्मित था, जिसका 1962 में जीर्णोद्धार हुआ। 1640 में नेपाल नरेश प्रताप मल ने मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की थी। श्री पशुपतिनाथ के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने एक विशाल सोने से जगमगाते नंदी जी के दर्शन होते हैं। मंदिर की छत पर सोने का पतरा चढ़ा है। मंदिर की चारों दिशाओं में शिवलिंग। तो यहाँ पे वहाँ सबसे बड़ा जो मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर है, और वहाँ पे लोग अक्सर जाया करते हैं। हिंदुस्तान से तो बहुत सारे लोग जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में धर्म को एक विशेष मान्यता दिया जाता है, उसी प्रकार से वह भी देश लगभग उसी तरह की मान्यता वहाँ पर दिया जाता है। वहाँ पर भी कई देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। और जैसे ही आप पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर जाते हैं, वैसे ही नंदी जी का दर्शन होता है। नंदी जो भगवान शिव के सवारी हैं, उन्हें भगवान शिव का सवारी माना जाता है। तो इस तरह से कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमें धार्मिक रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते की ओर ले जाता है। और आगे क्या दिया हुआ है? शिवलिंग के चारों मुख के ठीक सामने 4 दरवाजे हैं। मंदिर के अंदर बाहर की दीवारें चांदी की चादरों से मढ़ी है। चांदी की दीवारों पर देवी देवताओं की आकृतियां खुदी है। प्रमुख कक्ष के बीचों बीच पशुपति लिंग है। पशुपति के 4 मुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा 5वां मुख ऊपर की ओर है। यहाँ पे पढ़कर हम लोग सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं तो उन्हें ही पता होगा कि वो किस तरह का रहता होगा। 5 मुख उसमें रहता है पशुपति शिवलिंग का। और यहाँ पर आगे दिया हुआ है, नेपाल में सैर सपाटे के और भी खूबसूरत ठंडे ठिकाने हैं। पोखरा नेपाल का हिल स्टेशन है। यह काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पोखरा में झील का नज़ारा देखने योग्य है। इस झील में नौकाएं तैरती रहती हैं। पोखरा में बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़ों के नज़दीक से हवाई सैर का लुत्फ उठाया जा सकता है। एवरेस्ट एयर की 30 मिनट की यात्रा में हवाई जहाज़ में पश्चिमी पर्वत
शिखरों को छूना एक आनंददायक अनुभव है। वैसे अगर कहा जाए तो पूरा नेपाल जो है वो पूरा नेपाल ही हिल स्टेशन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे और भी देखने लायक जगह है, जिसमें से पोखरा नाम का हिल स्टेशन है, नेपाल के अंदर ही है। उसको वो काठमांडू से इतना दूर है और समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब होता है कि समुद्र तल मतलब उसका जो पानी है वहाँ से उतनी ऊंचाई पड़ती है, और समुद्र तल से जितनी ऊंचाई बढ़ती है तो उस हिसाब से वहाँ पे गर्मी या ठंडा लगता है। ठंडे में ज़्यादा ठंडा और गर्मी में ज़्यादा गर्म लगेगा, इस तरह का स्थिति रहता है। लेकिन वहाँ हिमालय के नज़दीक है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी बहुत कम लगती है। वहाँ के पर्वतों में घुमाने के लिए एक अलग व्यवस्था है, एवरेस्ट एयर, ये हवाई जहाज़ है, और वहाँ पे 30 मिनट तक आपको वहाँ पे वो ऊपर ले जाता है हवाई जहाज़, और फिर आपको घुमाता है, वहाँ के दृश्य को दिखाता है। तो उसका एक विशेष चार्ज होता है, उसको लेने के बाद जो है आपको पूरा 30 मिनट तक वो घुमाते रहेगा, और अलग अलग जगह वहाँ से आप देख सकते हैं। नेपाल का एक और मशहूर हिल रिजॉर्ट है नागरकोट। काठमांडू से एक घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। नागरकोट से हिमालय के पर्वत शिखरों को देख सकते हैं। यहाँ हर रोज़ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। धौलीखेत नेपाल का दूसरा ठंडा हिल रिजॉर्ट है। हालांकि नेपाल में पर्यटन का मुख्य केंद्र राजधानी काठमांडू ही है, लेकिन काठमांडू घाटी में पाटान और भक्तपुर प्राचीन शहरों की भवन निर्माण शैली गोरे पर्यटकों को लुभाती है। दक्षिण पश्चिम में भारतीय सीमा से जुड़ा तराई क्षेत्र, जहाँ रॉयल चितवन नेशनल पार्क है, इसमें 43 किस्म के जंगली जानवर देखे जा सकते हैं। सारा नेपाल सैर सपाटे, मौज मस्ती और रोमांच के लिए निमंत्रण देता सा जान पड़ता है। नेपाल में कई फेमस हिल रिजॉर्ट है, जिसमें से नाम दिया हुआ है नागरकोट और धौलीखेत। तो नागरकोट काठमांडू से एक घंटे की दूरी पर है, एक घंटे का सफ़र तय करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे शिखरों को, जैसे हिमालय का शिखर हम लोग देखते हैं, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, इस तरह का शिखर जो है उन शिखरों को हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। और धौलीखेत जो है यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं, यहाँ पे गोरे पर्यटक का अर्थ है कि यूरोपियन जो होते हैं वो गोरे ही होते हैं, तो उन लोग अक्सर आया करते हैं, उन लोगों को ये जगह अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो है यहाँ एक रॉयल चितवन है, नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानवर, जंगली जानवर हैं, उसको देखा जा सकता है, लोग वहाँ पर देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे नेपाल में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए कि हमें वो ऐसा लगता है कि निमंत्रण देता रहता है। अगर आप सक्षम हैं तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखा गया है, ये फिर भी उसका आधा भी नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी सारा चीज़ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, जो कि हिंदी इंग्लिश में दिया रहता है। आगे देखते हैं, इसमें और होना चाहिए, नहीं शब्दार्थ और अधिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका, और इसमें इसका रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये है चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर। नेपाल को पर्वत शिखरों का देश क्यों कहा जाता है? नेपाल को पर्वत शिखरों का देश कहा जाता है, इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र तट से 8,000 मीटर ऊँचे दुनिया के 14 शिखरों में से 8 शिखर नेपाल में ही हैं। नेपाल का क्षेत्रफल कितना है? नेपाल का कुल क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमीटर है। काठमांडू के बारे में जानकारी दीजिए। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यह हिमालय चोटी में बसा एक निराला शहर है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखते ही बनते हैं। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, राजदरबार है, संसद भवन है, आलिशान होटल है और रात भर चलने वाले कसिनो हैं। नेपाल के इतिहास का पता कब से चलता है? उस समय किसका शासन था? नेपाल के इतिहास का पता 5वीं शताब्दी से चलता है। उस समय लक्ष्मी नरेश भानुदेव प्रथम का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू की सैर के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है और क्यों? काठमांडू में घूमने फिरने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय श्रेष्ठ रहता है। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और जून से अगस्त तक तेज वर्षा होती है। काठमांडू में लोक कला की कौन कौन सी वस्तुएँ मिलती हैं? काठमांडू में 400 वर्ष पुरानी लोक कला की वस्तुएँ भी मिलती हैं। प्राचीन कलाकृतियाँ, हथबुने, गलीचे, खुखरी, मुखौटे और सालें नेपाल की खास सौगात है। श्री पशुपतिनाथ मंदिर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। श्री पशुपतिनाथ मंदिर शहर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। 1640 में नेपाल नरेश प्रताप मल ने मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की थी।
मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने एक विशाल सोने से जगमगाते नंदी जी के दर्शन होते हैं। पशुपति के चार मुख उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा पांचवा मुख ऊपर की ओर है। नेपाल के दो प्रमुख हिल रिसोर्टों के नाम लिखो। नेपाल के दो प्रमुख हिल रिसोर्टों के नाम हैं नागरकोट और धौलीखेत। पोखरा क्यों प्रसिद्ध है? पोखरा नेपाल का हिल स्टेशन है। यह काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से 3000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पोखरा में झील का नज़ारा देखने योग्य है। इस झील में नौकाएं तैरती रहती हैं। पोखरा में बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के नज़दीक से हवाई सैर का लुत्फ उठाया जा सकता है। नेपाल की यात्रा करना क्यों सुखद अनुभव है? सारा नेपाल सैर सपाटा, मौज मस्ती और रोमांच के लिए निमंत्रण देता सा जान पड़ता है। नागरकोट का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखते ही बनता है। एवरेस्ट एयर की 30 मिनट की यात्रा में हवाई जहाज में पश्चिमी पर्वत शिखरों को छूना नेपाल की यात्रा का एक सुखद अनुभव है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आइए देखते हैं उसे कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए कहा गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू हिमालय घाटी में बसा शहर है। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है स्क्रीन पर आ जाएगा। छोटे से काठमांडू में कम से कम 35 आलिशान होटल हैं। देश की धरती पर देश तो यहाँ पे हो जाएगा नेपाल की धरती पर 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, जो वहाँ चैप्टर में पदार्पण लिखा हुआ है। तो पदार्पण का अर्थ है जन्म लेना। राजा देश ने, तो उस राजा का क्या नाम था? पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को फिर से एक किया। काठमांडू की सबसे खूबसूरत सड़क का नाम दरबार मार्ग है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ 5 नंबर में समास से जुड़ी हुई, व्याकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो विग्रह करना है, शब्दों का विग्रह करो और समास का नाम बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्वत शिखर, तो विग्रह हो जाएगा पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर। और इसका समास हो जाएगा कर्मधारय तत्पुरुष। राज दरबार, तो राजा का दरबार, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। और इसका लिखा है राजा का दरबार संबंध तत्पुरुष। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, शब्द विग्रह हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, तो ये हो जाएगा द्वंद समास। उसके बाद समुद्र तल, मतलब समुद्र का तल, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर जो है आपको स्क्रीन पे मिलते जाएगा। संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है सूर्यास्त, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस यस्त, सूर्यास्त। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। उसके बाद महोत्सव, महाजोड़ उत्सव और सिंहासन का सिंहजोड़ आसन। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे प्रत्यय पृथक करके लिखो। तो प्रत्यय अलग करके लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें इसका प्रत्यय हो जाएगा ई, बड़ी मात्रा ई हो जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक का इक हो जाएगा, शाकाहारी का री हो जाए, ई हो जाएगा, बड़ी मात्रा का ई, और प्रमाणिक का इक हो जाएगा, मुखौटे का ओटे, और पाँचवा का सिर्फ वहाँ होगा। एक वचन रूप लिखो। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इसको आप लोग खुद बना सकते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, पर्वत शिखरों, तो यहाँ पर्वत शिखर हो जाएगा। टैक्सियाँ, तो टैक्सी। लिच्छवियों तो लिच्छवी हो जाएगा। हवाओं, हवा। वस्तुएं, वस्तु। मुखौटे, मुखौटा। उपकरणों, उपकरण हो जाएगा। दीवारें, दीवार। ठंडे, ठंड हो जाएगा। शहरों, शहर। पर्यटकों, पर्यटक। और नौकाएँ, तो नौका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में इसके बारे में एक एक वाक्य लिखो। तो एक एक वाक्य आप चैप्टर से भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने से भी लिख सकते हैं। भवन निर्माण शैली, तो यहाँ पे चैप्टर से ही मैंने दिया हुआ है। भक्तपुर की भवन निर्माण शैली गोरे पर्यटकों को लुभाती है। सूर्यास्त, सूर्यास्त। पशु पक्षी सूर्यास्त से पहले अपने ठिकाने में लौट आते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय से पहले उठना अच्छा होता है। इतिहासकार, इतिहासकारों के अनुसार श्री पशुपतिनाथ मंदिर ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है 6 नंबर में, इसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहा जाता है। जो इतिहास का जानकार हो, इतिहासकार। जो विज्ञान का जानकार हो, वैज्ञानिक। जो कला का जानकार हो, कलाकार। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।